हमारा नाम एस सी एस टी ओबीसी वालों को अधिकार दिलाने वाला अगर कोई था तो बाबा साहब। हे भैया, रोजगार मिलेगा सबको, गारंटी किसका चैनल? हिंदू राष्ट्र बनेगा तो सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों का कर्जा माफ होगा। सवाल अनुराग ओझा आपसे ये है कि जितने भी हिंदू संगठन हैं वो लगातार जो है मांग कर रहे हैं कि जो हमारा देश है उसको हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, इसको आप किस तरीके से देखते हैं क्योंकि आप एक हिंदू हैं? बिल्कुल, अगर संविधान इजाजत देता है तो हिंदू राष्ट्र बनाइए, अनुराग को कोई दिक्कत नहीं है। ये देश संविधान से चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा, एक देश धर्म निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है। हम लोग संविधान को मानने वाले हैं, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो संविधान को ही मानते हैं, हिंदू राष्ट्र को नहीं। हिंदू राष्ट्र अगर बनता है तो आपने देखा होगा नेपाल की क्या दुर्दशा हुई है। अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो भैया तेल सस्ता हो जाएगा। हे भैया, रोजगार मिलेगा सबको, गारंटी किसका चैनल ले रहा है? इसमें से 10 दस्तक लेगा, प्यार भी लेगा भैया, लेगा। हे भैया, डेली हिंद लेगा, आपकी गारंटी लेगा कि सबको रोजगार मिलेगा? बताइए किसका चैनल गारंटी ले रहा है? तो कांग्रेस में आप डीएसपी थे क्या? कांग्रेस की सरकार में आप डीएसपी थे क्या? बिल्कुल नहीं, मैं तो कांग्रेस की सरकार में भैया वोट डालने के लायक भी नहीं था, भाजपा की सरकार में हुआ हूँ और वोट दिया है, तो उन्हीं से सवाल पूछूंगा। सवाल तो पूछ रहा हूँ ना, आप बताइए कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो रोजगार सबके पास होगा, महिला सुरक्षित होगी, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, बोलिए, बिजली का बिल माफ हो जाएगा, बोलिए, किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों का कर्जा माफ होगा। अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो सिर्फ और सिर्फ संघियों का कर्जा माफ होगा। तो मुस्लिम राष्ट्र चाहते हैं क्या? नहीं, हम क्या करें, हम संविधान राष्ट्र चाहते हैं। कुछ मौलाना आ रहे हैं मुस्लिम राष्ट्र के पक्ष में तो उनको भैया जेल हो गई होगी, जेल हो गई होगी, क्योंकि भैया ये पार्टी ही मुस्लिम विरोधी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। हमने पहले भी कहा है कि ये पार्टी मुस्लिम विरोधी पार्टी है। कोई हिंदू राष्ट्र की मांग करेगा, कोई मुसलमान राष्ट्र की मांग करेगा, कोई सिख राष्ट्र की मांग करने लगेगा, कोई ईसाई राष्ट्र की मांग करने लगेगा। मैं देश की 135 करोड़ जनसंख्या से कहना चाहता हूँ कि इस देश को संविधान राष्ट्र की मांग कीजिए। कोई बाबा मांग नहीं करना चाहता, वो बाबा जो कह रहा है नंगा कर दिया जाएगा, तुम मुझे सहयोग दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। चमत्कारी बाबा बोली हो धीरेन्द्र शास्त्री। अरे कई बलात्कारियों को देखा है हमने, आसाराम को देखा है हमने, चिन्मयानंद को देखा है हमने, राम रहीम को देखा है हमने। भीड़ देखा कि नहीं? जो भीड़ आ रही है भीड़ भेड़ों की होती है भैया, भीड़ भेड़ों की होती है, भीड़ भेड़ों की होती है। जो सज्जन होगा, बाबा साहब अकेले ही दहाड़ते थे, ठीक उसी प्रकार राहुल गांधी अकेला ही दहाड़ रहा है, विपक्षी नेता मरे जा रहे हैं, भाजपा वाले मरे जा रहे हैं। कौन से बाबा की बात कर रहे हैं? अरे हम बाबा साहब की बात कर रहे थे। कौन बाबा साहब? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नहीं जानते जो अकेला ही दहाड़ता था? एस सी एस टी ओबीसी वालों को अधिकार दिलाने वाला अगर कोई था तो बाबा साहब था। और ये लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनेगा सिलेंडर सस्ता हो जाएगा। बताइए, मुसलमानों की इतनी सारी कंट्री है, 56 कंट्री है, जितने भी धर्म है सबके अपने अपने कंट्री, हिंदुओं का कौन सा देश है? हिंदुओं का देश भारत है, मुसलमानों का देश भारत है, सिखों का देश भारत है, ईसाइयों का देश भारत है। इस देश में सबको बराबर का अधिकार है। ये देश हिंदू राष्ट्र बन के नहीं संविधान राष्ट्र बन के रहेगा। हिंदू तो खतरे में है ना, तो हिंदू राष्ट्र तो बनना चाहिए। हिंदू अगर खतरे में है तो जितने भी हिंदू भाई अगर मुझे सुन रहे हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि 24 में भारतीय जनता पार्टी को हटा दो, हिंदू सुरक्षित हो। भाजपा ही तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रही है, हम नहीं जानते मैडम। आपने कहा हिंदू खतरे में है, और हिंदू खतरे में है तो किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो कह तो रहे हैं 24 में लाइए, फिर देखिए। अच्छा, फिर और खतरे में कर देंगे, फिर और खतरे में कर देंगे, फिर बहाना ढूंढते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, सिर्फ और सिर्फ बहाना ढूंढते हैं। ये जीतने का एक इनका मोहरा है, और जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं ना, एक आपने कहावत सुनी होगी कि अफसोस इस बात का नहीं है कि धर्म का धंधा हो रहा है, अफसोस तो इस बात का है भाइयों बहनों कि पढ़ा लिखा भी अंधा हो रहा है। अगर हिंदू राष्ट्र आपको नहीं चाहिए तो टोपी पहन के बोलिए, भगवा पहन के क्यों बोलते हैं? भगवा किसी के बाप का है? ये भारतीय जनता पार्टी वालों के बाप का है? ये टोपी किसी के बाप की है? ये देश है, हम टोपी भी लगाएंगे, हम गुरुद्वारा जाते हैं तो रुमाल बांध के जाते हैं। 24 में फिर से मोदी जी, मोदी जी। हाँ, और अभी और क्या कहेंगे, कहेंगे राहुल गांधी नहीं आएगा, मोदी जी, मोदी जी आपके रिश्तेदार हैं।